नमस्कार, मैं हूं सुनील सुमन और आप इस वक्त देख रहे हैं कोसी आलोक न्यूज। आज बैठे हैं खास लोगों के साथ, खास मुलाकात में, और कुछ खास बातें हम करेंगे। अभी सोशल मीडिया से लेकर सभी के जहन में एक ही चर्चा काफ़ी जोर पर है कि चंद्रयान 3 ने इतिहास रच दिया है एक ऐसे स्थान पर जिस स्थान के लिए अन्य देशों ने प्रयास किया था लेकिन सफलता नहीं मिली, लेकिन भारत ने यह सफलता हासिल की है साउथ पोल में लैंड करके। भारत का यह कदम पूरे विश्व को प्रभावित किया है निश्चित रूप से। उसी कड़ी में हम लोगों में जोश भी है, उत्साह भी है और इसको हम जश्न के रूप में मना भी रहे हैं। हमारा पूर्णिया भी काफ़ी उत्साहित है और एक इस आशा से आंदोलन में लगी हुई है कि जिस प्रकार से भारत ने अपना प्रभाव पूरे विश्व में छोड़ा है तो पूर्णिया क्यों पीछे रहेगा। पूर्णिया भी अपना प्रभाव वायु मार्ग से पूर्णिया को जोड़कर पूर्णिया के प्रभाव पूरे देश में रहे, इसमें कुछ हुनरमंद लोग अपनी काबिलियत के बलबूते स्वच्छता से बिल्कुल शांति तरीके से आंदोलन में लगे हुए हैं। पूर्णिया वासियों को आशा है कि आंदोलन एक दिन सफल होगा और पूर्णिया शहर वायु मार्ग से जुड़ेगा और विकास के कई रास्ते खुलेंगे। तो हमारे साथ स्टूडियो में जो मेहमान मौजूद है, हम सभी का स्वागत करते हैं। हमारे साथ हैं एक्स विंग कमांडर कैप्टन विश्वजीत सर जी, स्टूडियो में आपका स्वागत है सर, कोसियालो के स्टूडियो में। और शिक्षा जगत का एक बहुत बड़ा नाम जिसने पूर्णिया शहर को गौरवान्वित किया है, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही योगदान रहा है पूर्णिया शहर में, जिससे पूर्णिया को जाना जाता है। आप VVIT के श्री राजेश मिश्रा जी, कोसियालो के स्टूडियो में आपका स्वागत है। और समाज सेवी सब पत्रकार, हमेशा सबों के सुख दुख में साथ रहने वाले गोविंद जी भी स्टूडियो में मौजूद हैं, आपका भी स्वागत करें। नमस्कार। तो आज इस खास मुलाकात में सबसे पहला सवाल मेरा विश्वजीत सर से होगा कि क्या पूर्णिया को कब तक वायु मार्ग से जोड़ दिया जाएगा, ये जो सपना है पूर्णिया वासियों का कब तक पूरा हो जाएगा? कोई एग्जैक्ट डेट लाइन अगर आप बोलेंगे तो ये मैं नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी एजेंसियां इन्वॉल्व हैं और उन सबको मिल करके एक रिजल्ट आउटकम को देना है जो वो है पूर्णिया का सिविल एयरपोर्ट। लेकिन अगर उसको हम एक सिक्वेंशियल वेज में देखेंगे, अगर प्रैक्टिकली कैसे होना है, तो जो काम MOU 5 जून को जो साइन हुआ बिहार सरकार और भारत सरकार के बीच, अगर उस MOU पे सिर्फ अगर ध्यान दें तो उसमें कुछ ऐसी बातें लिखी हुई हैं, अगर उसको उसी सिक्वेंस से पूरा कर दिया जाए तो एयरपोर्ट शुरू होने में मैक्सिमम 1.5 से 2 साल का वक्त लगेगा जी। और उसमें जो ज़रूरत है आज के डेट में, जितने भी काम हैं भारत सरकार का, अप्रूवल्स के, अलॉटमेंट ऑफ फंड्स के, ये सब कुछ हो चुके हैं। जो बिहार सरकार का है लैंड एक्विजिशन का, वो भी पूरा हो गया है। लेकिन MOU में जो बातें अभी बची हुई हैं वो है उस लैंड के को, लैंड पीस को NH से 4 लेन से कनेक्टिविटी देना, क्योंकि आज के डेट में उस लैंड पर अभी तक रोड की कनेक्टिविटी नहीं है। तो वो मैं मानता हूँ सबसे पहली ज़रूरत है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि कहीं भी अगर कोई कंस्ट्रक्शन आपने करना है तो वहाँ कम से कम सड़क का प्रावधान होना चाहिए। तो वो एक सबसे बड़ा मुद्दा है। उसके साथ उस जगह पर बिजली की सुविधा और पानी की अवेलेबिलिटी, क्योंकि कोई भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के लिए बेसिक 2 चीज़ें ज़रूरत है। तो मेरा ये मानना है कि ये तीनों के तीनों चीज़ें राज्य सरकार ने देना है, और ये जब जितना जल्दी हो जाएगा उस डेट से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1.5 साल के अंदर हमारा भवन, टर्मिनल भवन तैयार हो जाएगा और उसके बाद जो एयरलाइंस की प्रक्रिया है स्टार्ट होने की वो हो सकती है। मतलब हम कह सकते हैं कि ये सपना जो पूर्णिया वासियों का है, ये हालांकि आपके एक छोटे से प्रयास से पिछले दिनों पूर्णिया से हवाई सफ़र की शुरुआत भी की गई थी, किसी तकनीकी कारणों से फिर बाधित हो गया, तो आपने जो प्रयास किया था वो सफल रहा था। हमें लग रहा है कि इस बार जो आप प्रयास कर रहे हैं ये परमानेंट पूर्णिया के लिए, परमानेंट वायु मार्ग से पूर्णिया को जोड़ दिया। आप सही कह रहे हैं, वो जो था एक टेम्परेरी फेज था, टेम्परेरी वे में स्टार्ट किया गया था और उस वक्त एयरपोर्ट वायुसेना के अप्रूवल से हमने एयरफोर्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए जो फ्लाइट चलवाई थी कलकत्ता पूर्णिया पटना एंड रिटर्न पटना पूर्णिया कलकत्ता, वो चली थी 1.5-2 साल तक।
लेकिन जब आप कोई चीज़ परमानेंट नहीं कर पाते हैं तो टेम्प्रेरी वे में बहुत चीज़ों को आप बहुत लंबे समय तक नहीं खींच सकते। और उसी वक्त हमने 2012 में ये परमानेंट एयरपोर्ट पूर्णिया को मिले, वो प्रक्रिया का शुभारंभ किया था स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, जब केस डिस्ट्रिक्ट से गया था राज्य सरकार के पास और राज्य सरकार से भारत सरकार के पास कि पूर्णिया को सिविल टर्मिनल मिलनी चाहिए। और वो को लोकेटेड हो गया एयरफोर्स के साथ, क्योंकि एयरफोर्स का सारा रनवे और ऑप एरिया जो है सारा कुछ एयरफोर्स का है। लेकिन जिस तरह से देश के अंदर ऐसे दर्जनों एयरपोर्ट्स हैं जो एयरफोर्स का एयरपोर्ट है और उसके साथ साथ सिविल टर्मिनल भी चलता है, उसी पैटर्न पे पुणे एयरपोर्ट का भी प्रावधान करके प्रपोजल दिया गया था, जो सब कुछ 2015 तक अप्रूव होकर के भारत सरकार से प्राइम मिनिस्टर पैकेज में इंक्लूड हुआ। लेकिन उसके बाद का जो काम था, दुर्भाग्यवश लैंड एक्विजिशन, उसमें काफ़ी बाधाएं आई, हाईकोर्ट तक चला गया मामला, उसमें 2-3 साल का वक्त बर्बाद हुआ। तो इन सारी चीज़ों से समय देर विलंब हुआ है, लेकिन मुझे पूरी आशा है कि जब ये सिविल टर्मिनल बन जाएगा, जो आज जो लैंड एक्वायर हो गया है, तो आज न कल, इसमें देर हो सकता है, विलंब हो सकता है, जो हो रहा है वो जो अनफॉर्चुनेट है, कोई उससे खुश नहीं है, हम सब चाहेंगे और क्षेत्रवासी सब चाहते हैं कि जल्द से जल्द शुरू हो। लेकिन इसी आशा के साथ कि जो जिस स्टेज पर अब हम हैं, अगर सड़क का प्रावधान और बिजली और पानी प्रावधान वहाँ हो जाए तो एयरपोर्ट अथॉरिटी उसके बाद अपना काम शुरू करेगी, उसमें कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए। मतलब हम कह सकते हैं कि बहुत ही जल्द पूर्णियावासियों का ये सपना अवश्य है वो साकार होगा। हमारे साथ बैठे हैं शिक्षा जगत के राजेश मिश्रा जी, काफ़ी योगदान रहता है शहर में, काफ़ी बढ़ चढ़ कर हर आयोजन में भाग भी लेते हैं, लोगों को काफ़ी मदद भी करते हैं। हम आपसे ये जानना चाहेंगे, क्या यहाँ वायु मार्ग से पूर्णिया को जोड़ा जाएगा तो क्या आम जन को क्या लाभ होगा इस? आमतौर पे लोग समझते हैं कि जब एयर ट्रेवल की बात हो रही है तो एक कॉस्टली मोड ऑफ ट्रेवल है, सबके लिए सुलभ नहीं है। लेकिन कल हम लोगों ने बच्चों के बीच कार्यक्रम था सर का, अभिषेक सर का, उसमें डिस्कस भी किया, एसोसिएटेड इंफ्रास्ट्रक्चर्स की बात होती है, एसोसिएटेड इकोनॉमी की बात होती है कि आपका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है सो अगर सही समय पर सब जगह पहुँचता है तो आपके एग्रीकल्चरिस्ट लाभान्वित होते हैं। आपका अगर पर्सनली एजुकेशन फील्ड की बात करूं तो हम लोग जो है सो प्लेसमेंट के लिए और सुविधाजनक हो सकेगी स्थिति। अभी हम लोगों को बागडोगरा या दरभंगा के थ्रू डील करना पड़ता है, प्लेसमेंट की टीम जो मुंबई से, दिल्ली से, बेंगलोर से आना चाहती है तो उनके लिए थोड़ा कष्टकारी होता है समझाने की, वहां से आपको इतनी दूर उड़ के 3 घंटे उड़ के फिर 3 घंटे गाड़ी चला के आना है फिर लौट के जाना है। लेकिन तो वो सब चीज़ें जो है सो सुविधाजनक रहेंगी। आगे मेडिकल इमरजेंसीज होती हैं बहुत बार, जिसको कि अगर टर्शरी केयर चाहिए, बहुत हाईएस्ट केयर चाहिए तो कभी बाहर जाना पड़ सकता है। ऐसा एक बहुत बड़ा मध्यम वर्ग तैयार है हमारे क्षेत्र में। जब इसके कैचमेंट एरिया की बात करते हैं हम लोग तो पूर्णिया जो है सो सीमांचल, कोसी, ये बिहार के डिविजन, इसके अलावा नेपाल के लोग जो हैं सो भारत आके भारत से कनेक्टेड हो सकते हैं विभिन्न जगहों से, विराटनगर के खास कर सिलीगुड़ी और कलकत्ता के बीच में जो है सो कुछ ऐसा है नहीं कनेक्शन जो, तो मालदा तक या कम से कम मालदा के थोड़ा आगे फड़क्का वगैरह के लोग भी पूर्णिया वालों को प्रेफर कर सकते हैं टू गेट कनेक्टेड और विद एयर रूट। तो और उससे एसोसिएटेड जो टूरिज्म की इकोनॉमी होती है, ट्रैवल की इकोनॉमी होती है, हमारे युवा उससे लाभान्वित हो सकते हैं। जो हमारे बच्चे बिहार, चूँकि माइग्रेंट्स बहुत होते हैं यहाँ से, हर लेवल पर माइग्रेशन है, तो जब छोटे छोटी छुट्टियाँ होती हैं तो उसमें आना बहुत असाध्य हो जाता है। बहुत बार ट्रेन वगैरह की स्थिति बहुत खराब रहती है, उन सब स्थिति में भी लोग जो है सो इसका लाभ उठा सकेंगे, छोटी छुट्टियों में अपनी छुट्टी पूरी करके वापस ज्वाइन करना, ये सब तो बहुत तरह के फायदे। एजुकेशन के क्षेत्र में डेवलपमेंट मिलेगा, सहारा मिलेगा। जी जी, फिर एक तो प्लेसमेंट का बताया हमने, फिर है कि कुछ एजुकेशनिस्ट हैं, स्पीकर हैं, जिनको सुनना चाहिए, गेस्ट लेक्चरर्स के लिए आ सकते हैं, गेस्ट लेक्चरर्स हैं, तो वो सब थोड़ा सा बहुत बार एजेड होते हैं तो वो सीधे रिफ्यूज हो जाता है कि नहीं नहीं आ पाएंगे, नहीं संभव हो पाएगा, तो वो सब हमको लगता है कि क्षेत्र के लिए बहुत बेहतर रहेगी। बिल्कुल, हम वायुमार्ग को हम सिर्फ ये समझ रहे हैं कि हमारे लिए सिर्फ ट्रेवलिंग एक माध्यम है कि हम दिल्ली और मुंबई जा सकते हैं, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि अगर पूर्णिया में
वायु मार्ग को चालू कर दिया जाता है। जितने भी आंदोलन में जितने भी लोग लगे हुए हैं शहर के, काफ़ी मेहनत से ईमानदारी से आंदोलन कर रहे हैं। अगर ये सफलता मिलती है, मिलेगी सफलता, तो निश्चित रूप से ये जो विकास पूर्णिया जो है भारत के मानचित्र में वायु मार्ग से जुड़ने के बाद पूर्णिया अपने आप पूर्णिया एक प्रभाव छोड़ेगा पूरे देश में, क्योंकि हम वायु मार्ग से जुड़ जाएंगे। कई तरह की सुविधाएं जैसे बताया एजुकेशन के क्षेत्र में भी हमें लाभ मिलेगा, कारोबार का दरवाजा खुलेगा, कई लोग जुड़ेंगे, कई व्यवसायी जुड़ेंगे निश्चित रूप से। और गोविंद जी बैठे हुए, गोविंद जी हम आपसे ये जानना चाहेंगे, क्या ये आंदोलन क्या सिर्फ पूर्णिया शहर के लिए हो रहा है क्या? अगर वायु मार्ग पूर्णिया से कनेक्ट हो जाता है, यहाँ से शुरू हो जाता है, तो क्या पूर्णिया शहर के लिए है या फिर आसपास के इलाकों को भी लाभ मिलेगा? देखिए सुनील जी, ऐसा है कि पूर्णिया जनपद जो है कि आज का नहीं है, ये 1770 में तब गठित हुआ जब बिहार राज्य की स्थापना नहीं हुई थी। बिहार राज्य 1911 में बनता है और ये जिला 1770 में बनता है। और कई अभिलेख के मुताबिक कि अनडिवाइडेड इंडिया में सेकेंड लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट का गौरव इसको प्राप्त था। और आज भी पूर्णिया जिला का खुद का विभाजन हुए 25 से 26 साल, 17-30 साल के आसपास का विभाजन हुआ है, जिसमें अररिया, कटिहार और किशनगंज जिला जो विभाजित होकर इससे बने हैं, उन जिलों को तो लाभ मिलेगा ही। साथ ही हमें हमारी कोसी कमिश्नरी सहरसा है, उसके अंतर्गत आने वाले 3 जिले सहरसा, सुपौल, मधेपुरा को भी लाभ मिलेगा। और जो सिलीगुड़ी बागडोगरा का जो एयरपोर्ट है वो है आपको पूर्वी क्षेत्र में, और जो ये दक्षिणी क्षेत्र का इलाका है कलकत्ता जाने के क्रम में दालकोला से लेकर के रायगंज जो दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट कहलाता है वहाँ तक का इलाका जो है, उसको अगर लाभ मिलेगा या जन सेवा का तो वो पूर्णिया से मिलेगा, कलकत्ता या सिलीगुड़ी से नहीं, क्योंकि निकटतम हम हैं। तो इस लिहाज से देखें ना केवल बिहार को बल्कि बंगाल को, और तो और नेपाल में, हालांकि नेपाल के विराटनगर बॉर्डर बॉर्डर का पर जो है एरिया। विराटनगर में है अपना, ठीक है, लेकिन हमारे जो इधर के नेपाली तराई बॉर्डर एरिया के लोग हैं उनको मिलेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ से मतलब वो लगभग हमको लगता है कि 40 छोटे छोटे जगहों को अगर गिन लें हम, जहाँ व्यावसायिक मंडी वगैरह छोटे छोटे हैं, दालकोला टाइप के कई सारे हैं, तो 50 से 60 ऐसे मंडियों को लाभ मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात जो पूर्णिया चिकित्सा का हब माना जाता है वर्तमान में इस जनपद में, तो यहाँ के जो डॉक्टर हैं कई बार कई तरह के चीज़ों को रिसर्च करने के लिए बाहर जाते हैं, तो उस जाने के क्रम में वो ट्रेन से सफ़र करते हैं। मान लीजिए वो कलकत्ता जाना है, दिल्ली जाना है, 3 दिन जाना 3 दिन आना निकल गया। ऐसे में जो रोगी जो है वो इमरजेंसी के होते हैं, चिकित्सा इमरजेंसी के लिए होता है हमेशा, वो सफ़र करते हैं, वो आते हैं डॉक्टर के पास, वो नहीं मिलते, बाहर बाहर से लोग आते हैं वो नहीं मिल पाते हैं, वो नहीं रहते हैं, तो सही समय पर योग्य चिकित्सा नहीं मिल पाती है। तो सबसे बड़ा लाभ चिकित्सा के क्षेत्र में होगा। शिक्षा के क्षेत्र में हमारे यहाँ शिक्षा का हब है, लेकिन कुछ और भी तकनीकी जानकारियों के लिए, तकनीकी सर्वेक्षण के लिए, तकनीकी शोध के लिए यहाँ के जो शोधार्थी बाहर जाते हैं आते हैं, उसमें भी लाभ मिलेगा। और ख़ास तौर पर व्यावसायिक, पूर्णिया एक बड़ा व्यावसायिक क्षेत्र बनता जा रहा है, कई मामलों में मतलब यातायात सुविधा ना होने के कारण हम पिछड़ जाते हैं, यहाँ तक कि हमारे पास रेलवे की भी यातायात सुविधा पूर्ण रूप से नहीं है। ऐसे में हमें वायुयान सेवा की अगर सहायता मिलती है तो निश्चित तौर पर यहाँ का व्यवसाय, यहाँ का शिक्षा, यहाँ की चिकित्सा में बढ़ोतरी होगी, और ना केवल पूर्णिया जनपद को बल्कि आसपास के 10-20 इलाकों को इसका लाभ मिलेगा निश्चित इसी रूप में से। मैं थोड़ा ऐड करना बिल्कुल चाहूँगा जो राय सिंह ने उन्होंने कहा कि आप एजुकेशन में देख लीजिए, जब इतने बड़े इंस्टीट्यूशन को चलाते हैं ये, तो इनकी पहली प्राथमिकता होती है कि अच्छे से अच्छे टीचर प्रोफेसर दे सके, और एक अगर एयर कनेक्टिविटी हो जाती है तो इनका जो एनवेलप है फैकल्टी का अवेलेबिलिटी वो काफ़ी वाइड हो जाता है। जो आजकल ऑनलाइन आप जमाना आप देख ही रहे हैं तो वो है, बट जब एयर कनेक्टिविटी है तो फिजिकली भी कोई भी अच्छे लेक्चरर बॉम्बे, बैंगलोर, दिल्ली में है, वो आ करके वीक में आ करके एक वीक क्लास लेकर के अपने सब्जेक्ट चैप्टर्स को पूरा करके वापस चले जाए, तो वो उनके लिए बहुत बड़ा एक एडवांटेज हो जाता है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्होंने जैसे बोला कि जो एरियाज है उसे आप उसको अगर पॉपुलेशन में क्वांटिफाई करेंगे तो नॉर्थ बिहार की आबादी करीब 9 करोड़ के आसपास, हमारी टोटल 13 करोड़ की आबादी है। तो जो एरिया डिफाइन किया गया 3 कमिश्नरी, भागलपुर, पूर्णिया और सहरसा, और बंगाल का एरिया और नेपाल का इंडस्ट्रियल एरिया विराटनगर, तो ये 3 से 4 करोड़ की आबादी को हेल्प करेगा पूर्णिया एयरपोर्ट। तो इसमें कैचमेंट एरिया जो आबादी है ये बहुत ही लार्ज है। आज आप न्यूज़ में सुनते होंगे कि दरभंगा का प्लेन से जो जर्नी का परसेंटेज है, जो लोड फैक्टर है, ऑलमोस्ट 95% प्लस है, मतलब 95% ऑक्यूपेंसी है हर एयरक्राफ्ट की, वो देश में नंबर 1 चल रहा है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल मैथमेटिक्स है कि आबादी इतनी है, इतने बाहर बिहार के लोग रहते हैं, उनको ये एयर कनेक्टिविटी चाहिए,
तो उसी हिसाब से जब पूर्णिया होगा तो मेरा ये मानना है कि अगर दरभंगा से ज़्यादा नहीं हुआ तो कम से कम उसके बराबर यहाँ की पैसेंजर लोड होगी। मेरा मानना है कि इवन ज़्यादा होगा, ये समय बताएगा, लेकिन इसमें पूरा विश्वास है कि पैसेंजर केबिलिटी काफ़ी अच्छी होगी। बिल्कुल विकास हमारे पूर्णिया में अगर ये जुड़ता है तो बहुत अच्छी बात है। पूर्णिया काफ़ी ऐसा नहीं कि हम वाई मार्ग से सफ़र ही करेंगे, क्योंकि जुड़ने के बाद हमारा पूर्णिया का नाम भी ऊपर होगा और हम मानचित्र पे दिखेंगे, और बाहर से यहाँ पे जितना टूरिज्म है, होटल व्यवसायी है, शिक्षा का क्षेत्र है, हेल्थ है, सभी क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा, निश्चित रूप से बढ़ावा मिलेगा। तो हम सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिरकार इतना बड़ा मुद्दा इस शहर को, इतनी बड़ी ज़रूरत इस शहर के लिए वायु मार्ग था, हवाई यात्रा थी, तो स्थानीय जनप्रतिनिधि को भी इसमें सक्रिय होकर अहम भूमिका निभानी चाहिए, लेकिन हमें देखा कि कहीं ना कहीं जिनके माध्यम से होना था वो बिल्कुल उदासीन रवैया के वजह से अभी तक ये काम सफल नहीं हो पाया, और आम जन समाज के बुद्धिजीवी वर्ग को अब इनके लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। सही कह रहे हैं आपका, ये बहुत हेल्दी सिचुएशन नहीं है, किसी को इससे खुशी नहीं मिल सकती है, बहुत एक तरह से कहे तो ये दुख की बात है। लेकिन अब जैसा कहते हैं कि आप इसकी वायबिलिटी और इसका इम्पोर्टेंस, इसकी ज़रूरत, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। बहुत लोग मिलते जुलते ऐसे सवाल करते हैं कि हमारा क्षेत्र एग्रीकल्चर का है और हवाई जहाज़ से एग्रीकल्चर को क्या लेना देना। बहुत बुद्धिजीवी और बड़े लोग भी इस तरह का सवाल उठाते हैं, लेकिन मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा कि आप लोगों ने एक अल्फोंसो नाम का सुना होगा, मैंगो है जो महाराष्ट्र गोवा एरिया में कोंकण एरिया में पाया जाता है। तो उसकी जब से प्रोड्यूस आती है तब से उसका रेट 500 से 600 रुपये से लेकर के 1500 रुपये तक चला जाता है दर्जन के हिसाब से, और हमारा मालदा अगर जो इतना फेमस है और इस एरिया में लोकलाइज होने के कारण बेचारा 40-50-100 रुपये किलो तक मैक्सिमम बिकता है। वो इसीलिए उसकी रेट ज़्यादा है क्योंकि रेडी अवेलेबिलिटी उसकी मार्केट है, यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका, हर जगह चला जाता है बाय एयर माध्यम से। लेकिन अगर वही अगर एयर कनेक्टिविटी पूर्णिया को होगी तो जो हमारे एग्रीकल्चरिस्ट के जो प्रोड्यूस है, चाहे वो फल फूल हैं, आम है, लीची है, पाइनएप्पल है, गुआवा है, जो पेरिशेबल आइटम है, वो समय रहते देश के बड़े मार्केट और अक्रॉस द ग्लोब मार्केट्स में जाएगा, तो हमारे किसान भाइयों को ही अच्छी प्रोड्यूस मिलेगी, रिटर्न मिलेगी। मखाना है, मखाना बेस्ड प्रोडक्ट्स है, इतनी सारी चीज़ें हैं जो आप देखिए, आपका मेज, मक्का, मक्का का ये देश का बाउल है, सबसे ज़्यादा मक्का इस क्षेत्र में होता है, जूट का सबसे मेन एरिया है। मुझे याद है जब 2012 में हमने वो फ्लाइट चलाई थी तो कलकत्ता के इंडस्ट्रियलिस्ट आए, मिस्टर पंसारी, मुझे अभी भी नाम याद है, और उन्होंने वो मालदा में अपनी इंडस्ट्री लगाना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने जब देखा कि कलकत्ता पूर्णिया कनेक्टेड है तो उन्होंने अपना प्लान बदल करके और मरंगा इंडस्ट्रियल एरिया में सेटअप। तो एविएशन होने से ही इंडस्ट्री जो जिसमें हम बिहार इतना पिछड़े हुए हैं, बहुत सारा एवेन्यूज ऑटोमेटिकली आता है। कोई भी इन्वेस्टर जो है वो वहीं पैसा लगाएगा जहाँ उसे समय की बचत होगी। ये आप निर्विवाद मान के, आप कितनी भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी बना लें, कुछ भी कर लें, अगर उसको अच्छी कनेक्टिविटी आप नहीं देंगे वो नहीं आएगा, ये आप मान के चलिए। अब आप दूसरा उदाहरण आपको मैं एयरपोर्ट का दे रहा हूँ, गुड़गांव का। जैसे जब T3 एयरपोर्ट दिल्ली का बना, उस वक्त तक गुड़गांव को कोई ज़्यादा नहीं जानता था, बहुत वीरान सा एरिया था, इक्का दुक्का डेवलपमेंट था, पर T3 बनने का दिल्ली में है, लेकिन वो फेस गुड़गांव को करता है, उसके सारे बेनिफिट्स गुड़गांव को मिला, और आज वो गुड़गांव एक छोटा शहर NCR का आज मिलेनियल सिटी के रूप में जाना जाता है, क्योंकि सारे जो कॉरपोरेट्स हैं देश के, सबकी बड़ी बड़ी ऑफिसेज हैं वहाँ पे, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है, आपका मारुति है, ऑटोमोबाइल के बड़े बड़े और सारे एंसिलरी यूनिट्स हैं। तो इस बात से ये निर्विवाद है कि एयरपोर्ट किसी रिच लोगों की रिक्वायरमेंट है और एलिट क्लासेस में ट्रेवल करेगा, ये बहुत पुरानी बात हो चुकी है। आज के डेट में जो भारत सरकार का जो फ्लाइट का प्लान है, उड़ान स्कीम, कि हर नागरिक उड़े, हम वो उड़ान का मतलब है, एक हवाई चप्पल पहनने वाला भी चले, तो जब उस महत्ता उस एम से भारत सरकार चल रही है, इसलिए चल रही है क्योंकि उसके इम्पोर्टेंस को सरकार समझ रही है, और हमको बिहार जैसे राज्य में जहाँ की आबादी 13 करोड़ है, हमें कम से कम 4 से 5 एयरपोर्ट की ज़रूरत है, और उसमें पूर्णिया एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट बेस बनेगा जो इतने बड़े क्षेत्र को, और जो हमारा गेटवे है नॉर्थ ईस्ट का गेटवे है, और वही नहीं, अब आप आसियान कंट्री, जो हमारा एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, एशियन हाईवे क्षेत्र से गुजरेगी,
तो हमारा समझिए कि कितना इंपॉर्टेंट ये क्षेत्र बिहार का बनेगा। पटना और सिलीगुड़ी से भी ज्यादा स्पेस है एयरपोर्ट अथॉरिटी के मानक पर, ये ज्यादा उतर रहा है। एब्सोल्युटली, पटना एयरपोर्ट एक डेंजरस कैटेगरी में आता है, उसकी मैक्सिमम लेंथ है 5,800 फीट। हर पायलट वहाँ जो स्पेसिफिक क्लियर है वही लैंड करता है। वही नहीं, वो तो है, बट आप जो कोई भी फेयर जो आप देखेंगे पटना की, दिल्ली और बैंगलोर से, उसकी प्राइस ज़्यादा होती है, क्योंकि रनवे इतना छोटा है कि जहाज की जो कैरिंग कैपेसिटी है लोड की, हाँ, वो पूरी तरह नहीं ले पाता है पटना। और पटना का एक्सपेंशन नहीं संभव है, क्योंकि एक तरफ राजभवन है, दूसरी तरफ रेलवे लाइन है, इसलिए उसकी जो लेंथ है वो समझिए फिक्स है, तो उसका भविष्य नहीं है। वो छोटा रनवे है, ये सारी लिमिटेशन है। और सिलीगुड़ी वो भी पहाड़ के विजिनिटी में है, वेदर बहुत जल्दी चेंज होता है, रनवे भी 9,000 फीट के बराबर ही है, जबकि हमारा ऑलमोस्ट आप समझते हैं 11,000 बड़ा एयरपोर्ट के रूप में, पैरेलल रनवे, पैरेलल पीटीटी भी जो है वो 9,000 फीट का है। तो कहने का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी अवेलेबल है, उसको सिर्फ हमें प्रयोग में लाने की जरूरत है, उसका बेस्ट इस्तेमाल करने की जरूरत है। इसलिए सब कुछ है, कोई ज़्यादा खर्चे की बात नहीं है, एक सिर्फ स्टेट को लैंड वो जो हो चुका है, और आगे की, और इसमें हमारे जनप्रतिनिधि अक्रॉस द पार्टी सबको मिल करके सहयोग करना चाहिए, क्योंकि ये किसी एक को हेल्प करने वाली चीज़ नहीं है, ये पूरे क्षेत्र, हर घर परिवार, हर सारे सेक्टर को हेल्प करेगा। इसमें किसी का ये मेरा ये तुम्हारा ये वाली बात होनी नहीं चाहिए, ये राज्य सरकार, भारत सरकार, हमारे जितने प्रतिनिधि, सबका इसमें से योगदान होना चाहिए, तभी जाके हमारे क्षेत्र को एयरपोर्ट। निश्चित रूप से हम विकास की उड़ान भरना चाहते हैं, जनप्रतिनिधियों का भी हमें सहयोग चाहिए। हालांकि शहर के जितने भी हुनरमंद लोग हैं अपनी काबिलियत के बलबूते इस आंदोलन में निरंतर लगे हुए प्रयासरत हैं। हम थोड़ा सा राजीव जी से हम सवाल करना चाहेंगे कि आपने हाल के 10 सालों में आपने क्या अनुभव किया, कि उससे पहले 5 साल हमारा शहर का बेहतर था, या फिर हाल के दिनों में क्या बढ़ा है, क्या समस्या लग रहा है कि अब ये चीज़ बढ़ गया है, ये चीज़ घट गया है, या कुछ है? क्या आप क्या एकदम मतलब दोनों जोड़ के ही बात करनी चाहिए कि क्या बेहतर हो गया है। और अपने शहर में रोड जो है, अपना हाईवे जो कनेक्ट करता है मरंगा टू 0 माइल, वो तो खैर सब लोग आते हैं बाहर से तो बताते हैं कि ऐसा रोड हम लोग पटना में ही देखते हैं, उसका दियार में पूर्णिया में दिखाई पड़ता है। लेकिन उसके साथ जो हमारा नुकसान हुआ है ग्रीनरी का, रोड के दोनों तरफ अपना जो ग्रीनरी था, या जिधर भी रोड का एक्सपेंशन हो रहा है, कटिहार का रोड ले लीजिए, चाहे सहरसा की तरफ कर ले लीजिए, सब तरफ ग्रीनरी का बहुत ज़्यादा नुकसान है। और प्लांटेशन जो है सो इमीडिएटली वन प्रमंडल को चालू करना चाहिए रोड्स के अलावा तो। और बाकी शहर तो हमारा जो है सो चमक दमक बढ़ी है शहर की, जो कहीं भी उपलब्ध है कोई भी ब्रांड, वो अब शायद पूर्णिया में उपलब्ध है, शोरूम्स हैं, काफ़ी होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, 5-स्टार कैटेगरी का होटल खुला है रिसेंटली यहाँ जी, वो भी आ गया जी। रियल एस्टेट के क्षेत्र में भी डेवलपमेंट हुआ है, 5-स्टार होटल भी अब शहर में मेफेयर अबलाबाग में जी जी। तो चीज़ें यहाँ पर नागरिकों के स्वयं के प्रयास से बढ़ रही है, और सिस्टम इनेबल करता है, लेकिन हमको लगता है कि हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं अक्रॉस पार्टीज, उनको थोड़ा और बेहतर प्रयास करना चाहिए कि ये जो एक कुछ चीर प्रोजेक्ट, इसके अलावा एयरपोर्ट के अलावा कुछ और डिमांड्स हैं हमारे, रेलवे से संबंधित हैं, हमारा जो है सो एम्स जो है सो विसिनिटी में सहरसा में आ जाता, क्योंकि दरभंगा काट का पड़ा हुआ है, तो ये सब चीज़ें जो है सो लोग सुने और उस पर एक्ट करें, हमारे जनप्रतिनिधि लोग अक्रॉस पार्टी मिल के डेलीगेशन बना के केंद्र सरकार राज्य सरकार के पास जाए और इस चीज़ को आगे बढ़ाए। बिल्कुल सही कहा कि शहर में डेवलपमेंट हुआ है, एयरपोर्ट की भी मांग चल रही है, सड़कें भी अच्छी बन गई है, मेडिकल कॉलेज भी खुल गया है। तो क्या हम एक चीज़ पूछना चाहेंगे कि क्या जनमानस की सुरक्षा कितना अहमियत है, क्या इन दिनों अपराध का ग्राफ को आप क्या कहेंगे जो बढ़ता जा रहा है, उस सब्जेक्ट में आप क्या कहेंगे? ग्राफ एक्चुअली हमने फिगर्स के हमको अंदाजा नहीं है, न्यूज की रिपोर्टिंग तो बढ़ी ही है क्योंकि सोशल मीडिया कनेक्शंस बढ़ा है, अपराध भी हो सकता है बढ़ा होगा, प्रयास जो है सो और लोगों को करने की जरूरत है इस क्षेत्र में। एकदम जो क्राइम फ्री सिचुएशन है उसके लिए हमको लगता है कि पहला अटैक हम लोगों को ड्रग यूज पे करना होगा,
ये ड्रग यूज का प्रचलन जो है सो युवाओं में, और फिर वो अपने नशे की पूर्ति करने के लिए कुछ भी क्राइम करेंगे, झपटमारी होगी, छीनना, गाड़ी छीनना, बहुत सारी तरह की चीजें हैं। ड्रग्स पर नियंत्रण करना बहुत जरूरी है, युवा हमारे बहुत उसमें फंस रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, हम विकास की उड़ान भरने से पहले तो हम इस पर जरूर चर्चा करेंगे, बनता ही है। गोविंद जी, आप एक बात बताइए कि क्या लग रहा है कि अपराध जो हमारे पहले अखबारों में एक समय ऐसा भी आया था 10 साल पहले कि महीनों दिन हम हत्या, लूट, डकैती की खबर नहीं पढ़ते थे, लेकिन वर्तमान जो स्थिति है, आज की जो स्थिति है इस शहर की, हम तो शहर की ही बात करेंगे, कि कोई ऐसा पेज नहीं है जिस दिन हत्या, लूट, चैन स्नेचिंग या फिर डकैती, रॉबरी का खबर ना हो। क्या कहेंगे, ये किनको जिम्मेदार मानेंगे और क्या? ये सही है कि विगत 10 वर्षों में अपराध के आंकड़े घटते बढ़ते अभी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, और ये बढ़ने का कारण, जैसा कि अभी राजेश जी ने भी कहा, कि यहाँ पर ड्रग एडिक्ट की संख्या बढ़ती जा रही है। वो 10 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये, 50 रुपये तक के लिए भी वो क्राइम करने के लिए लाइक हो जाते हैं, क्योंकि उससे उसकी पूर्ति हो सके उसके नशे की, तो इससे तो अपराध बढ़ा ही है। और जहाँ तक जवाबदेह की बात है, निश्चित तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन इसके लिए जवाबदेह है, और क्योंकि वक्त रहते कई बार ऐसा हुआ कि समय रहते हुए एडमिनिस्ट्रेशन ने संज्ञान नहीं लिया, या छोटे मोटे अपराध होते थे तो उस वक्त जब आप शांत माहौल आपकी बात कर रहे हैं, एक्चुअल में कभी कभी होता क्या है कि चीज़ें होती है संज्ञान में नहीं आती है, तो लगता है सब कुछ ठीक है। अपराध तब भी कम नहीं हुआ था, कहीं ना कहीं अपराधी सक्रिय थे, लेकिन जब अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ने लगा तो जिस हिसाब से संज्ञान लेते हुए जिला प्रशासन या पुलिस प्रशासन को एक ऑपरेशन चलाना था वो अब तक नहीं चलाया गया, जिसकी वजह से जो क्राइम करने वाले बेखौफ हो गए। और सबसे बड़ा बात है कि लोगों को लगता है कि क्रिमिनल जो सिर्फ स्थानीय नहीं, ये एक ऐसा क्षेत्र है, हाईवे क्षेत्र है, और नेशनल हाईवे होने के नाते इसकी कनेक्टिविटी जो है कई प्रदेशों से है, तो बाहर के क्रिमिनल्स यहाँ ज़्यादा आते हैं। आप आज की ही घटना ले लीजिए कि जो सोने का तस्कर पकड़ा गया वो महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र मुंबई और ये बिहार, और उसने तस्करी की शुरुआत, मतलब माल जो तस्करी का ला रहा था वो बंगाल से ला रहा था, तो 3 प्रदेश की कनेक्टिविटी होती है। तो ऐसे क्राइम भी हो रहे हैं, खास तौर पर हमें ये ध्यान देना हो कि बाहरी जो अपराधी का आगमन यहाँ हो रहा है उसको रोका जाए, तब यहाँ अपराध का ग्राफ कमेगा। नहीं, अभी ये भी दिखा रहा है कि पुलिस का खौफ बिल्कुल अपराधियों में नहीं है। हाल के दिनों में पुलिस पर कई हमले हुए, आप पिछले दिनों दरोगा मनीष जी के बारे में सुना आपने, आरती जसवाल की, जो दरोगा यहाँ रह चुकी हैं, काफ़ी दबंग दरोगा थी, काफ़ी प्रभाव था उनका शहर में, उनकी बेटी से गले से चैन छीन लिया गया। कुछ अभी हाल के दिनों में एक महिला कॉन्स्टेबल के साथ बड़ी घटना घट गई, मतलब अब अपराध इतना हो गया है, तो ये क्यों हो रहा है, क्या लग रहा है कि हम सर से जानना चाहेंगे, क्या ये प्रशासन खौफ पैदा नहीं कर पा रही, या प्रशासन खौफ पैदा नहीं कर पा रही? मैं एक बात पहले देखिए, जहाँ ये आप कह रहे हैं कि छिनतई की चीज़ें, ये चीज़ें क्या है, गली मोहल्ले की चीज़ें हैं, बाजार की चीज़ें हैं, और गली चाहिए तो खो रहा है। यहाँ पे ये सोचने वाली बात है कि नागरिक भी इसके लिए जवाबदेह हैं। गली मोहल्लों में अब आप अगर भट्टा बाजार में किसी से चैन छिना जाता है तो भट्टा बाजार के दुकानदार हल्ला करते हैं, पुलिस को फोन करते हैं, मामला शांत हो गया, लेकिन आगे पीछे जितने दुकानदार हैं, एक चाहे तो उसको ब्लॉकिंग करके वो पकड़ सकते हैं, धर सकते हैं, लेकिन सब अपने अपने काम में रहते हैं, और यानी ये कहा जाए कंसस नहीं है। अगर आम आवाम, आम नागरिक भी अगर इस अपराध को रोकने के लिए कंसस हो जाए तो बहुत अपराध की वृद्धि कमी हो गई। सामाजिक जिम्मेदारी, सामाजिक जवाबदेही को समझना होगा। प्रशासन प्रशासन हमारे लिए प्रशासन की जवाबदेही, प्रशासन की जवाबदेही सर्वोपरि है, लेकिन सामाजिक जवाबदेही जो आम नागरिकों की है उस वक्त के लिए, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं हर चौक चौराहे पे, क्यों नहीं पुष्टि हो पाती है कि किसने अपराध किया, इसको इस चीज के लिए किनको जिम्मेदार? हाँ, निश्चित तौर पर कि आखिर टेक्निकल हमको समझना होगा कि क्यों हमारा चेहरा नहीं दिख पाता है, कभी आता है ये कि नहीं हो पाता है, सामने से नहीं दिख रहा, तो टेक्निकली जो लगाए जा रहे हैं सीसीटीवी प्रशासन के द्वारा बाजार में, कहीं ना कहीं उसमें टेक्निकल हैंड्स की उसकी उसमें हिदायत ली जाए, उसको सही किया जाए। बिल्कुल सही कहा। आखिर हमने जो अपना मत का दान किया था, आखिर हम भी किसी आशा से किए थे, हमें भी कुछ चाहिए था शहर के लिए, अमन, चैन, शांति, हम निर्भीक होकर जी सकें, निर्भीक होकर व्यापार कर सकें। निश्चित तौर पर हमें ये पूछना बहुत ही जरूरी, इन दिनों काफी पूर्णिया शहर भयावह हो गया है, काफी स्थिति खराब हो गई है,
हम इसलिए हम ही इसलिए जानना चाह रहे हैं कि आखिरकार हम इसके इसके लिए किनको जिम्मेदार हैं। जनप्रतिनिधि निश्चित तौर पर, हमारे जनप्रतिनिधि इसके लिए सजग नहीं है, वो जवाब बनाते प्रशासन पर, तो निश्चित तौर पर निश्चित रूप से प्रशासन सर हम जानना चाहेंगे, अगर प्रशासन का खौफ रहे तो निश्चित रूप से अपराधी को कुछ भी करने से पहले सोचना पड़ेगा, लेकिन इन दिनों बिल्कुल प्रशासन पे ही हमले पे हमले हो रहे हैं सर। अवश्य आप आपने जो पॉइंट रेज किया एकदम सही है, अगर प्रशासन अपनी कड़क दिखाए तो किसी क्रिमिनल की ऐसी हिम्मत नहीं होगी कि वो किसी छोटी या बड़ी क्राइम में इन्वॉल्व हो। प्रशासन को अपनी कड़ाई दिखानी पड़ेगी और उसके लिए जो भी रिसोर्सेज की ज़रूरत है, चाहे मैन पावर हो, चाहे टेक्निकल इक्विपमेंट्स हो, उसकी अपग्रेडेशन की ज़रूरत हो, व्हीकल्स की ज़रूरत हो, वो डिपार्टमेंट का काम है। उसकी मांग राज्य सरकार से अपने हाईएस्ट एचलॉन पे करें और वो इक्विपमेंट रिसोर्सेज उनको उसकी फंडिंग दी जाए, इसलिए और इन सब चीज़ जब दी जाएगी और जिसके लिए प्रयास करना प्रशासन के लोगों का काम है और जनप्रतिनिधि का काम, जैसा कि गोविंद जी ने कहा कि प्रशासन के ऊपर वो प्रेशर बनाने का है कि आपको डिलीवरी देनी है, आपको इंश्योर करना है कि समाज के हर क्षेत्र में, चाहे अर्बन एरिया हो, रूरल एरिया हो, छोटी घटना हो या बड़ी घटना हो, सब पे नज़र रखनी है, सबकी प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आपको रोकना है, वो आपका मेन काम है। क्राइम होगा ये भी निर्विवाद है, क्योंकि समाज है, लोग हैं, हर तरह के लोग हैं, क्राइम जरूर होगा। आप 100% क्राइम फ्री सोसाइटी नहीं बना सकते, ये सत्य है, लेकिन इसके बाबत ये नहीं कह सकते कि क्राइम फ्री बना नहीं सकते, उसको हम रोक नहीं सकते या कम नहीं कर सकते, वो हमारे हाथ में है, उसके लिए प्रशासन को पूरी कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल, आप इस वक्त देख रहे हैं कोश्यालोक और हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं विकास की उड़ान। निश्चित रूप से हम उड़ान भरेंगे, अभी फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, हमारे मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और भी हम चर्चा करेंगे। आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। अब आप बताइए, आप आईटी क्यों कर रहे हैं? आईटी सेक्टर में गवर्नमेंटल एवं प्राइवेट प्लेसमेंट बहुत है, अभी आईटी की क्रांति है, सो मुझे तो यही करना था। तो यहाँ आर्यभट्ट में होगा मौलाना मजरूल हक अरेबियन एवं फर्शियन यूनिवर्सिटी पटना से मान्यता प्राप्त, जिले का एकमात्र पैरामेडिकल आईटी एवं मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। क्यों ना मैं इसे ही चूज करूं? आर्यभट्ट यानी कि सही फैसला, थैंक्स टू आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट जिसने मुझे दिया कॉन्फिडेंस एवं आगे बढ़ने का हौसला। पारा मेडिकल कोर्स करें, नौकरी तुरंत पाएं। कॉन्टेक्ट नंबर 7739023553। कैंपस ऑफिस कप्तानपाड़ा नियर दुर्गा मंदिर पूर्णिया। फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक्स का संसार, आपका अपना आर बाजार। इस त्योहार करें सभी खरीदारी आकर्षक मूल्य पर। आज ही हमारे शोरूम पधारकर हमें आपकी सेवा का मौका दें। आर बाजार, NH 31 बाईपास रोड पूर्णिया बिहार, कांटेक्ट नंबर 8408035551 एवं अंग्रेजी ढाला कशाबे बेगूसराय बिहार, कांटेक्ट नंबर 9693131066 और वार्ड नंबर 21 नियर भिरखी पुला मधेपुरा बिहार, कांटेक्ट नंबर 8400083553। के साथ हम अभी मौजूद हैं कोश्यालोक स्टूडियो में और बात कर रहे हैं पूर्णिया शहर के विकास डेवलपमेंट पर, हवाई यात्रा पर, पूर्णिया की तरक्की पर। तो उसी को लेकर हम हवाई यात्रा के बाद हम आना चाहेंगे विश्वजीत सर के पास कि और किन किन चीज़ों की ज़रूरत है इस शहर को जो अभी तक नहीं है, होना चाहिए था। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, किसी भी शहर का एक आईना, एक तस्वीर जो कहते हैं, वो मुख्यतः तीन चीज़ें होती है, वहाँ का हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशन और बस का। और वो इसलिए क्योंकि जो भी हमारे बाहर के लोग आते हैं हमारे शहर में पहली बार, इन्हीं तीनों जगह पर उतरते हैं। तो जो कहते हैं फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, तो फर्स्ट इम्प्रेशन को अच्छा करने के लिए हमें इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। एयरपोर्ट जैसा हम डिस्कस कर रहे हैं, अभी आना है इसलिए उसकी कोई बात कर नहीं सकते। रही बात रेलवे स्टेशन की, तो अब रेलवे कनेक्टिविटी के मामले में अगर आप देखें तो बड़ा ही फनी सिचुएशन है, थोड़ा सा डिफिकल्ट सिचुएशन है पूर्णिया के लिए, क्योंकि हमारे शहर में दो स्टेशन है, एक पूर्णिया जंक्शन और एक पूर्णिया कोर्ट। पूर्णिया जंक्शन आता है NF रेलवे में और पूर्णिया कोर्ट आता है ईस्ट सेंट्रल रेलवे जो हाजीपुर में है, और उस के कारण जो आज की स्थिति है, मुझे लगता है कि हम एक नो मैन्स लैंड में टाइप पड़ गए हैं। मतलब पूर्णिया शहर और आसपास का क्षेत्र, तो वो ध्यान नहीं दिया जा रहा है दोनों जोनल हेडक्वार्टर के द्वारा जो मिलनी चाहिए। मेरा ये मानना है, जो कि बहुत साल पहले रामलाल जी ने किया था और उसमें बहुत हद तक मैंने उनको रिक्वेस्ट किया था कि कटिहार DRM के ऑफिस को आप ईस्ट सेंट्रल में रखिए, सो दैट बिहार की जो पूरा एरिया क्षेत्र है ईस्ट सेंट्रल से कंट्रोल हो और हमारे रिक्वायरमेंट्स को, इंटरेस्ट को नेचुरली ज़्यादा कंसर्न मिलेगा, और वो हुआ भी था।
दुर्भाग्यवश बहुत जल्द ही एक आध साल के बाद जो दूसरे कोई मंत्री बने उसको वापस रिवर्ट एनएफ में कर दिया गया कटिहार डीआरएम को। तो मैं ये मानता हूँ आज जो पूर्णिया रेलवे के मामले में टापू बन गया है दुर्भाग्यवश ये अच्छी सिचुएशन नहीं है, ये एक बहुत बड़ी कमी है जिसको हमको शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेन भी नहीं है। आप इंटरसिटी भी देखें कमिश्नरी होते हुए भी पूर्णिया से पटना के लिए इंटरसिटी नहीं है, कटिहार से चलती है उसको हम पूर्णिया तक एक्सटेंड करा सकते हैं। दूसरी बात जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन है उसमें हम पूर्णिया ऑलमोस्ट एक बस ट्रेन है सीमांचल जो दिल्ली जाती है, अदर मेट्रो जो है बड़ी बड़ी बॉम्बे चेन्नई बैंगलोर और फर्दर ट्रिवेंड्रम उसके लिए सबको कटिहार जाना पड़ता है। तो अगर हमारा कनेक्टिविटी पूर्णिया जो कि प्रपोज्ड रेलवे बजट में है इस जलालगढ़ से किशनगंज लाइन की वो अभी ठंडे बस्ते में है, हमने कई बार कोशिश की अपने जनप्रतिनिधियों से कि उस चीज़ को फ्रेश टेकअप किया जाए कि वो लाइन पे काम हो, अगर वो हो जाता है तो हम नॉर्थ ईस्ट के मेन लाइन पे आ जाएंगे पूर्णिया कनेक्टिविटी। तो हमारे भी कुछ जो ट्रेन जो नॉर्थ ईस्ट से जा रही है साउथ और वेस्ट की तरफ गुजरात महाराष्ट्र की तरफ वो कटिहार भी कुछ निकले और कुछ पूर्णिया हो सहरसा होते हुए निकल जाएगी। आज राजधानी एक जो चलती थी उसकी जगह ऑलमोस्ट चार राजधानी चल रही है, डिब्रूगढ़ गुवाहाटी अगरतला और नाहरलगुन, तो ये सारी ट्रेन में एक आज पूर्णिया सहरसा मधेपुरा होकर जा सकती है, दोनों कमिश्नरी के तीन चार जिले सुपौल सारे कनेक्ट हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें बहुत छोटे प्रयास से इंटरसिटी ट्रेन के भी इंटरसिटी जो मैंने सबसे पहले कहा पटना के लिए वो शुरू किया जा सकता है, और अब तो जो वंदे भारत आ रही है तो हमारी मांग एक वंदे भारत की होनी चाहिए बिल्कुल कि पूर्णिया जंक्शन से ही नहीं पटना के लिए चलनी चाहिए, अगर कल को किशनगंज और पूर्णिया कनेक्ट हो जाता है तो किशनगंज से उसको पूर्णिया होते हुए पटना चलाया जाए, लेकिन तत्काल पूर्णिया से चला सकते हैं। तो इन सब छोटे प्रयास करने से जो रेलवे की कनेक्टिविटी हमारे यहाँ बहुत सुधर सकती है। नौ आए तीसरा आयाम जो हमारा आयन है वो बस स्टैंड का है, और अगर हम कहें कि एक बरसात के दिनों में तालाब सा बन जाता है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, बहुत छोटे से एरिया में वो आज करीब 30 साल पुराना बस स्टैंड है और वो बहुत अब छोटा पड़ गया है, उसकी लेवल भी बहुत लो है, वाटर ड्रेनेज की प्रॉब्लम है और उसके सामने सड़क पर ही सारी टेम्पो टोटो छोटे टैक्सी सारे लगे रहते हैं, इट्स अ मैड हाउस। तो इसीलिए प्रशासन को जो हमारा नगर के प्रशासन है उनको नगर निगम है उनको इसको बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि एक बस स्टैंड का चयन जल्द से जल्द आउटस्कर्ट्स पे करें जहां बस की बहुत ही जरूरी है प्रॉपर आईएसबीटी बने के स्वरूप में बनाया जाए जहां बस का प्रावधान एक तरफ हो दूसरी तरफ टैक्सीज के ठहरने की व्यवस्था हो तीसरी तरफ प्राइवेट गाड़ियों का ठहरने का व्यवस्था हो, एक प्रॉपर आईएसबीटी प्लान करके। पड़ोसी जिला में बन भी चुके हैं, किशनगंज में बनाया गया है, कटिहार में भी हफला में दिया जा रहा है, लेकिन पूर्णिया की बस स्टैंड शिफ्ट करने की बात जिला परिषद से या नगर निगम से या जिला प्रशासन से हम लोग वर्षों से सुनते आ रहे हैं लेकिन आज तक इसका समाधान नहीं हुआ है। सही कह रहे हैं, जनप्रतिनिधि ने भी इस ओर कोई खास ध्यान नहीं दिया, ये दुर्भाग्य की बात है। मैं चाहूंगा कि सारे रिस्पॉन्सिबल लोग इसमें मिलकर बैठे और सीरियस पे इस पे विचार करें और इसका एक समाधान ढूंढें, क्योंकि शहर के लिए बहुत जरूरी है, ये सिर्फ एक ट्रैफिक कंजेशन का न्यूसेंस नहीं है, ये हमारे बहुत सारी चीज़ों को डिस्टर्ब करता है और हमारे शहर का एक गलत पिक्चर देता है। वो अब रेलवे स्टेशन का एंट्री देखिए, वहाँ फ्लाईओवर है, वहाँ पे अगर कहीं बाहर से कोई आए तो उन्हें पता ही नहीं चलेगा रेलवे स्टेशन का जाने का रास्ता क्या है, तो उस एरिया को क्लीन अप करके बहुत सारी स्टॉल्स हैं उनको सही जगह पे लोकेट करें, एक प्रॉपर एंट्री रेलवे स्टेशन की बनाएं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं। एम्यूनिटीज़ की आपने बात की, एम्यूनिटीज़ में आप देखिए स्ट्रीट लाइट्स की भारी कमी है, दूसरा जो भी डिवाइडर्स बने हैं रोड का चौड़ीकरण हुआ उसके डिवाइडर्स हैं उस पर कहीं भी रेड और येलो रिफ्लेक्टर लाइट नहीं है, तो जो रात में बाहर से कोई हाई स्पीड पे आ रहे हैं बाहर से आ रहे हैं जो पूर्णिया के शहर से वाकिफ नहीं है आए दिन घटना के नॉर्म्स को कोई पूरा नहीं किया जा रहा है, जो भी रोड पे जो एक्सीडेंट्स का कारण बना है पास्ट में बड़े बड़े एक्सीडेंट्स हुए हैं, बसें टकराई हैं, आग लगा। हाल के दिनों भानु के पास एक बस सारे यात्री जल गए थे लेकिन फिर उनसे कोई सारे नहीं चार चार हाँ ठीक है गाड़ी में आग लग गई थी, पूरी गाड़ी में आग लग गई थी, लोग जान बचाए बहुत लोग सभी पूर्णिया शहर के ही थे बहुत सारे लोग उसमें, तो उस घटना से भी सबक लेनी चाहिए प्रशासन को जनप्रतिनिधि को, लेकिन कोई ऐसा खास कोई ऐसा काम वहाँ पे अभी तक नहीं किया गया कि अब कोई बड़ी घटना से बचा जा सके। अभी वो डिवाइडर अभी भी है और उस पर अभी भी कोई रेड लाइट लाइटिंग तो है ही नहीं, ट्रैफिक लाइट की व्यवस्था भी शहर में नहीं है, भविष्य में हमें उस पर भी सोचना पड़ेगा
तत्काल में अगर ट्रैफिक लाइट ना दे तो एटलीस्ट रिफ्लेक्टर्स दें। बिजली कॉलोनी चौक पर फॉरेस्ट के सामने भी हनुमान जी का मंदिर है, उसको भी सामाजिक स्तर से उसको शिफ्ट कर दिया जाता तो वहाँ पे इस तरह से सड़क का चौड़ीकरण चौड़ीकरण हो गया है। लेकिन बड़ी घटना का वहाँ पे इंतजार किया, अगर कोई सुबह में ठंडी का समय आ रहा कुहासा में तेजी से बस आ गई तो वो बड़ी घटना घटेगी अगर प्रशासन समय रहते हुए सचेत नहीं हुए। वो बहुत सही आपने कहा, मैं भी कहने ही वाला था कि उस मंदिर का रिलोकेशन होना बहुत जरूरी है क्योंकि वो ट्रैफिक हजार्ड पॉइंट है, एकदम बीच सड़क में आ गया है आज के डेट में। बिल्कुल स्टार के सामने वाली बिल्कुल ऐसी ऐसी चीजें हैं जो थोड़ा सा एप्लीकेशन अगर हमारा नगर निगम करे तो बहुत सारी चीजों को शहर के अंदर सुधार सकता है। ड्रेनेज बहुत बड़ा न्यूसेंस है, रोड पे वाटर लॉगिंग हो रही है, रोड की स्थिति खराब हो जा रही है बिकॉज प्रॉपर ड्रेनेज नहीं है, तो ड्रेनेज एक बहुत बड़ी चीज है। दूसरा, जो हमारे शहर के अंदर वाटर बॉडीज थी, बहुत सारे धार पाइंस थे, आपने देखा होगा पिछले 30-40 सालों में सब इंक्रोच हो गए, सब पे मकाने बन गए। ये मुझे समझ से परे है कि जो नेचुरल रिवर थी वो कैसे उसके ऊपर मकाने बन गई, तो आज न कल ये एक डिजास्टर को इन्वाइट करेगा क्योंकि पानी का आप जानते हैं बहाव अपना रास्ता ढूंढेगी और भगवान न करे किसी दिन ऐसी नौबत आई जब कोसी का पानी अगर इस तेज बहाव में आएगा तो ये सारे घर जो बने हैं नदियों के बीच में धारों के बीच में वो खतरे के लिए घटी उनके लिए बजेगी। एक सवाल हम सर आपसे लेना चाहेंगे कि शहर में हल्की सी बारिश होने के बाद गांव में जो भी मोहल्ले हैं, गली मोहल्ले हर वार्ड में जलजमाव की समस्या उत्पन्न हो जाती है, तो हमारे सोशल मीडिया पर कुछ साथियों ने ये लिखा कि पानी लगने के बाद कि आप हल्की सी बारिश में जलजमाव की समस्या हो गई, आप तैरना चाहेंगे उड़ना चाहेंगे, तो क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को? एक मास्टर प्लान है जो कि लगता है 2012 से रेडी है या उसी समय करोड़ों खर्च करके हर जिले का मास्टर प्लान बना था, तो अपने जिले अपने शहर का भी मास्टर प्लान है, तो उसमें एक मास्टर ड्रेन और एसोसिएटेड साइड ड्रेन्स ये सब की चर्चा है, तो मतलब जब रोड वगैरह बना रहे हों तो ये सब भी ख्याल रखा जाए कि अब हम कितनी बार हम उसी रोड को तोड़ते रहेंगे बनाते रहेंगे। एक बार अब कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग की जरूरत है, लोग जो बैठे हैं जिम्मेदार पदों पर अधिकारी जनप्रतिनिधि वो लोग चर्चा करें कि अब इस चीज को कैसे ले जाया जाए ताकि अब फाइनलाइजेशन हो ड्रेनेज सिस्टम का शहर का, हमारे मोहल्ले की बाकी का क्या कहें, हमारा खुद का मोहल्ला जो है तो बहुत बहुत पीड़ित रहता है, हमारी गली में पानी लगा रहता था, रोड जो है सो 3-4 साल रिक्वेस्ट करने के बाद बना और साल भर के लिए जो है बस रोड पे पानी लग के मामला फिर वहीं पे है, तो बिटुमेन है खराब हो, तो ड्रेनेज तो होना, ड्रेनेज की बातें वर्षों से चलती आ रही है, वर्षों से चल रही है लेकिन आज तक इस पर कोई धरती पर कोई काम धरातल पे कोई काम और नहीं हुआ। शोक पीट के लिए जो है शोक पीट के भरोसे जो है सो आप एक इतना बड़ा शहर चला रहे हैं, ये सब तो संभव है, और जब मतलब सब चीजों पे एक्टिव है आप, इंक्रोचमेंट्स पे एक्टिव है तो आप टैक्स पे आप समय पर टैक्स ले लेते हैं, घर घर जाकर सारा चीज टैक्स जो होता है नगर निगम का उस समय पे सभी लोग से जाके वो कर लेते हैं, लेकिन सुविधा क्या देनी चाहिए कोई मतलब नहीं, सरकार की नजर में अपना पोजीशन अच्छा बनाने के लिए अपना राजस्व वसूल कर रहे हैं लेकिन जन सुविधा से कोई मतलब सरकार नहीं है। एक बार थोड़ा सा फिर वही नगर निगम के जितने हैं थोड़ा सा एक बार मास्टर हम लोग जो है सो टाउन हॉल जैसे जगह में कुछ समझ या कम से कम एक कंप्लेन रजिस्टर जैसे ही व्यवस्था हो कि लोगों की कहां क्या फीडबैक सिस्टम होना चाहिए, फीडबैक सिस्टम होनी चाहिए कहां पे क्या समस्या चल रही है, हम लोग कई शहरों में ये सुविधा है कोई सुन मतलब कहीं पे आप अपनी बात रख सके, क्योंकि ये संभव नहीं है एक आदमी के लिए कि इतने पूरे शहर की व्यवस्था को एक साथ समझ ले, बहुत सारा फीडबैक लेके और उसको एक मास्टर प्लान बहुत बढ़िया गाइडेंस, हमने देखा है कि उसमें एक एक चीज लिखा हुआ है, वेस्ट डिस्पोजल के बारे में जो है तो कहाँ आपका यार्ड होगा जहाँ पर आपका वेस्ट डिस्पोजल होगा, उसमें जो है सो कांजी हाउस वगैरह जो स्ट्रे डॉग्स स्ट्रे एनिमल्स के लिए जगह है वो सब का प्रावधान उसमें लिखा हुआ है, उसको पढ़े और उसको जैसे जैसे फंड हो उसको स्टेज बाय स्टेज इम्प्लीमेंट करते जाए, इतना ही एक्सपेक्टेशन। ये तो बहुत ही आवश्यक चीजें हैं शहर में,
हर बार इस तरह की समस्या, हर बारिश में समस्या उत्पन्न होती है, हर वार्ड में लगभग समस्या उत्पन्न होती है। तो निश्चित रूप से स्थानीय जनप्रतिनिधि इस मामले में सक्रिय हैं, नगर निगम जो है उनको भी प्रशासनिक स्तर से समस्या को हल करना पड़ेगा। गोविंद जी, आप क्या बताना चाहेंगे कि इस मामले में कि पहले उड़ना चाहिए कि पहले तैरना चाहिए? देखिए, निश्चित तौर पर हमें उड़ने की, उड़ान की बात अगर करते हैं तो उड़ान से हमारा तात्पर्य ये नहीं है कि सिर्फ हमारे एयरपोर्ट मिले, हमारे शहर का सौंदर्यीकरण, हमारे शहर का विकास, ये सबसे बड़ी उड़ान है। तो हम यही कहेंगे कि पहले उड़ना चाहिए, बिल्कुल, और जो तैरने की नौबत हमें आई है इससे हमें बचना चाहिए। ये स्थानीय समस्या, हम लोग स्थानीय लेकिन ये जो अभी इन्होंने एक बात कही कि ड्रेनेज सिस्टम को ठीक किया जाए, यहाँ पे एक बहुत बड़ा फंडा ये है कि पूर्णिया की जो सड़कें हैं पहले के मापदंड पर बनी हुई है, जो सड़कों का जो पूर्ण मापदंड जो रहा चौड़ीकरण का वो पुराना रहा, बाजार बन चुके हैं, घर बन चुके हैं, अब जो स्पेस है वहाँ पर सड़कों का जीर्णोद्धार भी हुआ है, चौड़ीकरण भी हुआ है। आप कितना भी चौड़ीकरण समय नगर निगम प्रशासन को आप ये देखिए कि चौड़ीकरण हुआ है तो आपको पार्किंग की व्यवस्था भी वही बना दी गई है जो नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी, रोड पर ही, हाँ। रोड पर ही है, तो वो चौड़ीकरण बनकर भी कम हो गया, नंबर एक। दूसरी बात, अब यहाँ पे आधुनिकीकरण का दौर चल रहा है, बिल्कुल, गैस के पाइपलाइन बिछ रहे हैं, दूसरी दूसरी मोबाइल कंपनियों के पाइपलाइन बिछ रहे हैं, वो सारा की एक ही सड़क पर हो रहा है और साल में अलग अलग चीजों के टाइम पे अलग अलग लोगों का काम होता है और एक ही साथ एक सटे सटे काम हो रहा है। वो खुदाई करते हैं तो इसका पाइप खराब होता है, वो खुदाई करते हैं तो उसका पाइप खराब होता है, इसलिए हम सालों भर इस तरह की समस्या से जूझते रहते हैं, इसका निराकरण नहीं हो पाता है। सबसे पहला फर्केशन होना चाहिए कि जितने पाइपलाइन गए हैं पाइपलाइन के बीच फर्केशन होना चाहिए, और ये होना चाहिए कि अगर आपको काम करना है तो एक मापदंड होगा कि इतने समय में हम करेंगे, नहीं तो सालों भर खुदाई होती रहती है, सालों भर ड्रेनेज सिस्टम गड़बड़ रहता है, ये सबसे बड़ी समस्या तो एक ही है, खुदाई सालों भर होती है, समस्या एक ही, अभी तक शहर से पानी नहीं निकाल पाए। तो वही आप सालों भर वहाँ पे काम चलता रहेगा तो वो उसका ड्रेनेज सिस्टम क्लियर कहाँ से होगा? आखिर आप ऐसे क्षेत्र की बात कर रहे हैं जहाँ पे ड्रेन है शायद, हमारे यहाँ तो कोई सोचा भी नहीं कि ड्रेन बनाए। नहीं, किसी भी लिंक रोड के साथ पूर्णिया में न्याय नहीं हुआ है, जो मेन रोड है वो बहुत अच्छे हैं लेकिन लिंक रोड बहुत खराब है। आखिर इसका समस्या यही हम आपसे बात करना चाह रहे हैं, आखिर जन समस्या जो है आखिर ये कैसे दूर होगा, किनके पहल से होगा, समस्या के धरी के धरी रह जाएंगी? नगर इकाई, नगर निकाय की जो परिकल्पना है उसके अनुसार हर वार्ड के वार्ड पार्षद हैं जो नगर निगम को समय समय पर ये जानकारी देते हैं कि हमारे नगर में क्या, मतलब हमारे वार्ड में क्या कमी है, क्या दिक्कतें हैं, उसके अनुसार नगर निगम का मास्टर प्लान बनता है और उसके अनुसार उस पर काम होता है। तो ये जो हमारे प्रतिनिधि हैं, नगर प्रतिनिधि विभिन्न वार्डों के, नगर निगम के महापौर से लेकर के वार्ड पार्षद तक, इनको इसके लिए सजग होना होगा और हर मोहल्ले के का एक बार समीक्षा, हर मोहल्ले की समीक्षा करनी होगी ताकि जो पूर्णिया नगरीय क्षेत्र है उसको सही ढंग से वो जान सके, उसका फिगर क्या है और उसके मुताबिक वह काम कर सके। बिल्कुल सही, और हम चाह रहे हैं कि हमारा पूर्णिया जो जिस तरह से छोटी छोटी समस्या, मैं इसमें थोड़ा ऐड करूंगा, इन अमेनिटीज को, शहर के शहरी अमेनिटीज को दो तरीके से हैंडल करना बहुत जरूरी होगा। एक तो जो इससे गोविंद जी ने, राजेश जी ने बोला कि जो ड्रेनेज की बहुत बड़ी समस्या है और जिस तरह सड़क डैमेज हो जाती है बार बार उस पर काम होने के कारण, तो एक सेंट्रल एजेंसी होने के कारण, नगर निगम एक नोडल अथॉरिटी होने के कारण, इनको इंश्योर करना पड़ेगा कि कोई विभाग, पीएनटी वाला अपनी लाइन कुछ करे, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट कुछ करे या पीडब्ल्यूडी सड़क के कुछ करे, ये उनके नॉलेज के बाद ही करे, सो दैट कि वो एक चैनलाइज कर सके कि जो चार काम एक सड़क को होनी है उनको एक सीक्वेंस में, एक टाइम में करें, एक दूसरे को डैमेज ना करें, उससे स्टेट का ही रेवेन्यू लॉस होता है और इनकन्वीनियंस पब्लिक को लगातार होता रहता है। उससे बचने के लिए एक सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग नगर निगम को करनी पड़ेगी, पहली बात। दूसरी, जो छोटी छोटी आए दिन समस्या होती है, जब बहुत बारिश हो गया, वाटर लॉगिंग हो गई या कहीं पोल गिर गया, कहीं पेड़ के डाल गिर गया, तो एक एक हेल्पलाइन नंबर जो पब्लिक के लिए डिस्प्ले होनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो ये आपका हेल्पलाइन नंबर है, इस पर आप कॉल करें नगर निगम को, वहाँ नगर निगम उस अधिकारी को भेजेगा। दूसरा, मान लीजिए ड्रेनेज से है तो उसको वाटर डिवॉटरिंग करनी है उसके लिए भेजना, तो इस तरह के हेल्पलाइन नंबर भी उनको पब्लिक के नॉलेज में लानी चाहिए, बताना चाहिए कि भाई आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके अपनी प्रॉब्लम नगर निगम, बिल्कुल बिल्कुल सर। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको हम थोड़ा सा एप्लीकेशन ऑफ माइंड, हमारा नगर निगम के सारे अधिकारी, वार्ड मेयर, डिप्टी मेयर और वार्ड रिप्रेजेंटेटिव सब बैठेंगे,
अच्छे से इसका समाधान हो सकता है और उस तरफ हम सबको मिलकर प्रयास करनी चाहिए। बिल्कुल, सामाजिक स्तर से भी नगर निगम को सुझाव लेनी चाहिए कि कहाँ किन समस्याओं से जनता जूझ रही है और उन्हें दूर करने का प्रयास भी करना चाहिए। निश्चित रूप से पूर्णिया शहर इन दिनों काफ़ी तरक्की कर रहा है और तरक्की के लिए प्रयास भी कर रहा है। और हम जो आज जिस चर्चा पे बैठे थे, हमारा आज का सब्जेक्ट था, ये मैं कहना चाहूँगा कि चूंकि आपने एक बहुत बड़ा काम किया कि इस चर्चा में विश्वजीत सर को बिठा लिया, इस परिकल्पना की जो देन थी पूर्णिया में ये हवाई उड़ान की, जो 52-54-50 के दशक में जो होता था होता, लेकिन कालांतर में जो है नए काल हम लोगों के काल में इसकी परिकल्पना इनकी थी और इन्होंने इसकी शुरुआत भी की। और आज अगर कोई व्यक्ति सर्वाधिक रूप से इस चीज़ों को जानता है इसके बारे में तकनीकी रूप से, तो वो विश्वजीत सर हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और चूंकि अब ये अवकाश ग्रहण कर चुके हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से इनसे गुजारिश करूंगा कि सर आपने जो सपना देखा, जो परिकल्पना की, उसके लिए आपको जहां हम सबों की पूरे शहर की जरूरत हो आपके साथ है, लेकिन इसको हर हाल में पूरा करवा दीजिए। इसके लिए हम आपके प्रति आभारी रहेंगे और आज जो बहस में आपके साथ हम लोग शामिल हो पाए ये हम लोगों की खुशकिस्मती है। लेकिन ये उड़ान यहीं नहीं थमे, ये उड़ान तब थमे जब हमारी असली उड़ान भरी चली जाए। अवश्य, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ, इसमें थोड़ा विलम्ब जरूर होगा लेकिन पूर्णिया इस पूरे क्षेत्रवासियों को हवाई अड्डा अवश्य मिलेगा। बिल्कुल, हम लोग सपनों का उड़ान भरेंगे। जिस तरह से शहर लगे हुए हैं, पूर्णिया से लेकर दिल्ली तक हर दरवाजा को खटखटा रहे हैं, जो भी बन पा रहा है अपने स्तर से कर रहे हैं और काफ़ी काबिल ऑफिसर हैं और इस तरीके से पूर्णिया के बारे में हमेशा अच्छा सोचते हैं, सोचते रहे हैं। और राजेश सर भी एजुकेशन के क्षेत्र में पूर्णिया को जो चीज़ दिया है इन्होंने, हम लोगों ने सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा एजुकेशन संस्थान इस शहर को मिलेगा। तो ये सब कहीं ना कहीं हमारे शहर की शान है और हमारी शान में चार चांद लगाता है। और सर भी, सर के साथ और कई टीम है जो एयरपोर्ट पूर्णिया का ग्रुप भी बना हुआ है, काफ़ी सक्रिय हैं लोग, आंदोलन भी कर रहे हैं समय समय पर, बहुत सारे लोग इसमें सक्रिय हैं, विजय जी हैं, विनोद आशीष जी हैं, अरविंद सर, बहुत सारे लोग हैं, सबका नाम पूर्णिया के लिए बहुत लोग काम कर रहे हैं। ग्रुप में देखता हूँ अक्सर के काफी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं, डेली कुछ न कुछ चर्चाएं हो रही है, कहीं की बैठक अक्रॉस पूरा डिस्ट्रिक्ट जगह जगह बैठकी हुई लोग, बिल्कुल, और अनशन जैसा भी ये प्रयास निश्चित रूप से। यहाँ ये भी अपील करना चाहूंगा कि जिस तरह की राजेश जी ने अपने मतलब इंस्टीट्यूट में इस तरह की चीज़ों को लेकर डिबेट कराया, उस तरह के पूर्णिया के तमाम छोटे मोटे बड़े इंस्टीट्यूट में ये डिबेट चलता रहे तो एक मुहिम को नया बल मिलेगा, कि नई नई शक्ति उसके साथ नई ऊर्जा जारी होगी और हमारा ये ऊर्जा बिल्कुल बर्बाद नहीं जाएगा, ये सफल रहेगा। और हम सभी चाहते हैं सपनों का उड़ान बनने के लिए, छोटी समस्या शहर में हमेशा बनी रहती है जो स्थानीय जनप्रतिनिधि और जन सहयोग से उसको हम दूर कर सकते हैं, लेकिन ये विकास का एक इतिहास, यदि यहाँ पर हवाई यात्रा हमारे पूर्णिया शहर से शुरुआत हो जाती है तो हम पूर्णिया को पूरे भारत में प्रेजेंट कर सकते हैं और बहुत तरह के दरवाजे जो खुलेंगे, एजुकेशन से लेके, शिक्षा से लेके, व्यापार से लेके, कई रोजगार, मतलब बहुत सारे दरवाजे खुलेंगे यहाँ से। बिल्कुल बिल्कुल, एक अहम बात और चलते चलते मैं कहना चाहूँगा कि जैसा कि सर से ही मेरी जानकारी मिली थी, सामने आई थी कि 3 अप्रैल 1943 में पूर्णिया से एक ऐसी हवाई उड़ान 33 में जो उड़ान भरी गई थी, उस उड़ान के माध्यम से पूर्णिया ने पूरी दुनिया को बताया कि हिमालय की ऊंचाई क्या है। हम अपने दर्शकों को कहना चाहेंगे कि कई कई अलग अलग एयरपोर्ट से तैयार हिमालय की ऊंचाई को नापने का प्रयास किया गया लेकिन वो असफल रहा, और पूर्णिया से लालबालू चौक जो है वहां से जब हिमालय की ऊंचाई को नापा गया तो वो वही नाप आज पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, उसी नाप को माना जा रहा है। बिल्कुल, वो मानक है और वही कहना चाह रहा हूँ कि इन्होंने बात को भी मिला है, डॉक्यूमेंट्री 1936 या 1935 में डॉक्यूमेंट्री सेगमेंट में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का ऑस्कर अवार्ड भी पाया था और डॉक्यूमेंट्री का नाम है विंग्स ओवर एवरेस्ट। अगर लोग इंटरेस्टेड हो तो यूट्यूब पे डॉक्यूमेंट्री को देख सकते हैं, मैंने दिया है लिंक। बिल्कुल, ये गौरवशाली इतिहास हमारे पूर्णिया के पन्नों में दर्ज है। तो इसमें मैं ये कहना चाह रहा था कि 3 अप्रैल का जो दिन है इसको पूर्णिया में एक स्पेशल डे के रूप में डेवलप किया जाए और हमें शायद 6 अप्रैल है, नहीं 3 अप्रैल 3rd अप्रैल 1933 तो वो उसको डेवलप किया जाए
और पूर्णिया में एक विकास पूर्णिया का नई जनरेशन को जानकारी भी मिलेगी कि आखिर सर इसको बेहतर बता पाएंगे। एविएशन इतना रिच हमारा बैक बिल्कुल बिल्कुल हाँ, तो हिस्ट्री के बारे में ज्यादा बेहतर। जब 3 अप्रैल को यहाँ से उड़ान भर के हिमालय को जब हम नाप सकते हैं पूर्णिया की सरजमी से, तो हम पूर्णिया से मुझे लगता है कि सर सहमत होंगे इस बात को लेकर ये स्पेशल डे, और राजेश जी भी सहमत होंगे ये स्पेशल डे होना चाहिए। अभी तक हम बहुत दिन से लाल बालू चौक कहाँ है अगर लाल बालू चौक पर कजरी रेखा, ये कुछ कहना चाह रहे हैं लाल बालू चौक वहाँ पर कुछ हम लोग मार्क करके रखे कि यही लोकेशन है जहाँ से वो एक लैंडमार्क बननी चाहिए। हाँ, वहाँ पे कम से कम साइनेज हम लोग इंटेक्स से हम प्रयास करते हैं कि एक साइनेज बना के। और जब से सर से मुझे जानकारी मिली लगभग 7-8 बार मैं वहाँ जा चुका हूँ, और वहाँ के नागरिकों को अभी भी वहाँ के लोगों को ये भय होता है। वो एक तरह से अगर आप इसको देखिए जो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है इस इवेंट का, उसको हम एक तरह से भूल चुके हैं, भुला चुके थे, अब हम लोग खोद के उसको निकाल। तो मैं तो सबसे आह्वान करूंगा हमारे प्रशासन से भी, हमारे प्रतिनिधियों से भी, कि उसको एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस को देखते हुए उसको प्रिजर्व किया जाए, डेवलप किया जाए, और वहां तक गाइडेंस लोगों को हो कि आने बाहर से आने वाले भी लोग यहाँ के अलावा भी उस वहाँ जाएँ और उसकी इतिहास को समझे और उसे अपने आप को जोड़े। कालांतर में वो बर्मा से आए हुए शरणार्थियों को वो जगह आवंटित शायद कर दी गई। हाँ, तो लेकिन वो प्लेस, वो माटी आज भी है, तो अभी भी कुछ एक उस प्रतीक स्थल के रूप में उसको डेवलप किया जा सकता है। वो भले ही ब्रिटिश काल में हुआ हो, लेकिन वो उपलब्धि वो पूर्णिया की है, शहर की वो उपलब्धि हमारे पूर्णिया माटी की है, तो इस उपलब्धि पर हमें प्रशासन को ध्यान करवाना जरूरी। लास्ट में यही कहूंगा कि जितनी चीजों पर हमने चर्चा की है, मैं एक ही चीज जानता हूं कि कोई काम एक आदमी के सिर्फ प्रयास से नहीं होता है, बिल्कुल ये सामूहिक प्रयास जरूरी है। इसमें हर नागरिक, क्षेत्र के हर नागरिक, हर जनप्रतिनिधि, सबका दायित्व है कि सब हाथ से हाथ मिलाकर इसमें सहयोग करें, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि पूर्णिया पूरे बिहार का वन ऑफ द बेस्ट शहर के रूप में डेवलप होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल, आप हमारे साथ खास मुलाकात में खास मेहमानों की खास बातों को सुन रहे थे। हम सबों का प्रयास है पूर्णिया विकास करे, तरक्की करे, पूर्णिया में सुख समृद्धि शांति अमन चैन सभी को नसीब हो, यही हमारा मकसद है, यही हमारा मिशन है। और अभी एयरपोर्ट पूर्णिया के लिए बहुत सारे लोग लगे हैं, हम सब उनको बधाई देते हैं, आप लगे रहें और तमाम पूर्णिया वासियों को आपके सारी टीम को सहयोग मिलेगा और ये सफलता हम हासिल करेंगे और पूर्णिया से एक दिन विकास की उड़ान भरेंगे। नमस्कार। अब आपको पटना सिलीगुड़ी या बाहर इलाज के लिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब सीमांचल और कोसी जोन के मरीजों के लिए खुल गया एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके शहर पूर्णिया के NH-31 लाइन बाजार कप्तान पुल के पश्चिम में, गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर। सर्विस टू ऑल फॉर एडमिशन, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, न्यूरोलॉजी एंड रिस्पिरेटरी मेडिसिन। 4 बेड का अत्याधुनिक डायलिसिस यूनिट और 20 बेड का अत्याधुनिक ICU और CCU। BPL कार्डधारी मरीज को प्रत्येक रविवार निःशुल्क देखा जाता है एवं भर्ती मरीज का रियायती दर पर इलाज किया जाता है। साथ ही प्रत्येक महीने के 5 तारीख को सामान्य रोगी को निःशुल्क देखा जाता है। गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर, एड्रेस NH-31 लाइन बाजार, वेस्ट ऑफ कप्तान पुल, पूर्णिया। श्री बालाजी एजेंसी, NH-31 गुलाबबाग, पूर्णिया। यहाँ जगुआर कंपनी का लेटेस्ट सभी तरह का सैनिटरी वेयर्स उपलब्ध है, जैसे कमोड, बाथ टब, वाटर हीटर, स्टीम सॉल्यूशन, शावर, शावर इंक्लोजर एवं कम जाइन वाले फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स, डबल चार्ज वेरीफाइड टाइल्स, बाथरूम एवं किचन टाइल्स की पूरी रेंज भी। साथ ही यहाँ फाइनोलेक्स कंपनी का पाइप भी उपलब्ध है। खूबसूरती और मजबूती ऐसी कि आप फर्स्ट ही लुक में कर लेंगे पसंद, तो एक बार अवश्य पधारें बालाजी एजेंसी, NH-31 गुलाबबाग, पूर्णिया। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है मोबाइल नंबर 9470867633, मोबाइल नंबर 9631725501।